मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना के संबंध में एक अहम बैठक हुई है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इस दौरान मंत्री कृष्णा गौर और तुलसी सिलावट सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर पहुंचे। नदियों के जल को दोनों मुख्यमंत्री ने कलश में भरा और लगभग दो दशक के बाद पार्वती काली सिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना का कार्यान्वयन होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में अलग तरह से लिखा जाएगा। राज्यों के हित में हमें देश हित की भावना को ध्यान में रखना होगा। सीएम मोहन यादव ने ये भी कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों भाई भाई हैं। दोनों राज्यों के बीच बड़ा एमओयू हुआ है और चंबल में शिवपुरी, मुरैना, गुना और राजगढ़, आगर, इंदौर, उज्जैन समेत लगभग 13 जिलों के इस परियोजना से लाभान्वित होने के पूरे पूरी संभावना है। आज हम आपको बता दें कि ये बहुत अहम बैठक हुई है। चंबल और काली सिंध नदी को जोड़ने का प्रयास इन दोनों मुख्यमंत्रियों के द्वारा हुआ है, जो कि सफल होता हुआ नजर आ रहा है।